नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए हैं कोकन मर्गलैंड बैंक में और हमारे साथ में डॉक्टर जैद काजी जी, जो अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट भी है और हाल ही में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो क्या बोलना चाहेंगे सर आप? एक तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी की मेहरबानी है कि ये अवार्ड मुझे नवाजा गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड अंजुमन के लिए, जो अंजुमन ने 150 साल जो खिदमत अंजाम दी तालीम के मैदान में, और एक ऐसा इदारा जो मिसाली मियारी तारीखी है जिसने हजारों लाखों बच्चों को करियर बनाया, तो ये अवार्ड उनके लिए है। सर, ये जो पद्मश्री अवार्ड है, सर कभी आपने ऐसा सोचा था कि आपको ऐसा अवार्ड मिलेगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो अवार्ड है, ये लाइक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का चौथा, मतलब चौथे नंबर पे आता है, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इसे, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपको? नहीं, मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ और बड़ी खुशी भी हुई कि कुछ पता ही नहीं था, उसके बावजूद ये चीज हो रही है। तो मैं इस सरकार को भी सराहूंगा कि उन्होंने मैरिट बेस पे विदाउट रेफरेंसेस के साथ, अगर ऐसी चीजें होती तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जब आपको ये अवार्ड मिला उसके बाद से आप क्या फील, कैसे फील कर रहे हो? एक तो ये चीज है कि अच्छा काम करने वालों को सराहा जाता है, एक इंसेंटिवाइज जिसको कहा जाता है, और ये बहुत जरूरी होता है कि जो अच्छा काम करने वाले उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं इस तरह के, तो उनको और उनके साथियों को भी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है कि और भी अच्छा काम करें। सर, जो कोकन मर्गलैंड बैंक ने जो आपको मतलब आज इतना मतलब सम्मान किया है, उस बारे में आप बैंक के लिए क्या बोले, क्या बोलना चाहिए? तो मैं चाहूंगा कि ये अपने घर का ही माहौल रहा है भी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये फेलिसिटेशन यहाँ पे हुआ उनके चेयरमैन, डायरेक्टर्स और उनके स्टाफ ने जिस खुलूस के साथ हमारा इस्तेमाल किया और उन्होंने जो ख्यालात इजहार किए, एकदम अपनापन था। और इस कोकन बैंक का जो आज स्टेटस है, एक बहुत बेहतरीन है, उनके एसेट्स इतने हैं, डिपॉजिट से ज़्यादा है और परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि उनके बोर्ड में सब डायनामिक पीपल विद एज ऑन देयर साइड एंड दे वांट टू डू समथिंग एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट द बैंकिंग इज ऑल अबाउट। इस तरह के लोगों को उन्होंने रखा है। उनकी जो एग्जीक्यूटिव भी है, आज सबसे मुलाकात करने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई कि दे आर ऑल क्वालिफाइड एंड वेरी डिजर्विंग टू बी वेयर दे आर, सो दिस बैंक हैज अ ग्रेट फ्यूचर। सर, एज अ पद्मश्री अवार्ड विनर एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम, आप ये मतलब लोगों को मैसेज देना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज ये दूंगा कि हर एक शख्स ने ये कोशिश करनी होगी कि गिव बैक टू द सोसाइटी। आप अपना काम करते रहिए, काम करने के साथ साथ आपके काम से दूसरों को भी फैज पहुंचना चाहिए। तो पद्मश्री अवार्ड का जो एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको आप भी कीजिए और आपको दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि आप भी अच्छे काम करें। थैंक यू सो मच सर, एंड हार्डली कांग्रेचुलेशंस फॉर द पद्मश्री अवार्ड। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बी गुड लाइक। जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी।